आज हम सीखेंगे एक बहुत ही टेक्निकल हार्नेस बनाना। उसके लिए करीब 12-15 फीट लंबी एक रोप चाहिए और उसको बीच में दो भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और इसके इस पोर्शन को एकदम सेंटर पॉइंट को छोड़ के थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको एक अल्पाइन बटरफ्लाई बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा, ऐसे लपेटना है हाथ पे और फिंगर पे, एंड देन इस तरह से रहेगा। और जो ये पोर्शन है इसका, वो इसके अंदर घुसेगा इन दोनों के, और इसको खींच देंगे। फिर ये बन गया अल्पाइन बटरफ्लाई। फिर इससे थोड़ी दूरी पे एक और बनाना है सेम। ये करेंगे, ये जाएगा यहाँ से, ये क्रॉस में जाएगा, उसके बाद ये इसको क्रॉस में लेगा, फिर इसके अंदर ये दोनों जाएंगे और इसको अंदर डाल के इसको खींच देंगे। ये है अल्पाइन बटरफ्लाई। एक और अल्पाइन बटरफ्लाई बनाएंगे। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, और ये इसको उठा के इन दोनों के अंदर। इस तरह से तीन अल्पाइन बटरफ्लाई बन गए हैं। ये एंकर पॉइंट्स हैं, आप अपने शरीर पे कुछ चीज़ें एंकर कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों बटरफ्लाई, अल्पाइन जो बटरफ्लाई है वो एक साइड में रखना है। एक आपका बीच में आएगा और एक इस साइड में आ जाएगा। फिर सेम आपको यहाँ पे एक टिम्बर हिच लगाना है। सो 1, 2, 3 तीन बार इसको लपेट के इसको लेंगे। यहाँ से लेने के बाद फिर इसको भी लेंगे। फिर इसको थोड़ा टाइट टाइट करके ये जो लंबा वाला स्ट्रिंग है वो छोटे वाले के पास लाके यहाँ पे रीफ नॉट लगाएंगे। इस रीफ नॉट को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। जिस और लंबा है उस के अपोजिट लगाएंगे, जहाँ छोटा रोप है वहाँ पर लगाएंगे। ये नॉट इस तरह से लगती है, ऐसे लगती है, इस तरह का बनना है इसमें दोनों साइड से। फिर इसे लॉक करना है। और इसे भी लॉक करना है। आप इसको नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं और ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, बस प्रॉपर मदर नॉट बनना है इस तरह से। और इस पे आप एक
एक नॉट, दो नॉट, दो नॉट लगा दो। और ये हमारा सेल्फ एंकर है, ठीक है। हम इस सेल्फ एंकर को यहीं पे अभी सेव कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्निकल हार्नेस है। हम यहाँ से भी अगर बिले या से काउटेल लगानी है या फिर कोई सामान टांकना है तो इस तरह का हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एक हार्ड पॉइंट है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निकल हार्नेस बन गया है, ये भी एक हार्ड पॉइंट है। इस टेक्निकल हार्नेस में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हार्ड पॉइंट के अलावा तीन और हार्ड पॉइंट है जो कि हमने बटरफ्लाई नॉट से बनाए, 1, 2, 3 और एक है सेफ्टी एंकर। एक ही रूप से ये सारी चीज़ें बनी। हम इस पर वाटर बॉटल रख सकते हैं, अपना हार्डवेयर एक्स्ट्रा गियर रख सकते हैं। अगर हम आइस वॉल पे हैं तो इसमें आइस पिटन, अपना हल्का टेंट हम इसमें लगा के क्लाइंबिंग कर सकते हैं। अगर हमें अपने साथ ऊपर जाना है सामान को तो ये काम आते हैं क्लाइंबिंग के दरमियान चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल हम रोड पे रखेंगे तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है चीज़ों को नॉर्मल रोड पे रखने पे, लोड पड़ने पे। और अगर वो हम इस तरह की चीज़ों में नॉर्थ में रखेंगे तो वो आसानी रहती है। तो इसीलिए इसको टेक्निकल हार्नेस